अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। फाटा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट FRDP फाटा सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान का कबाइलों की तरक्की और खुशहाली के लिए एक 5 साल तरक्याती मंसूबा है, जिसके बुनियादी मकासद में गुरबत में कमी, कुदरती वसाइल का बेहतर और मौसर इस्तेमाल और कबाइली भाइयों को हुनरमंद बनाकर खुद कफील बनाना मकसूद है। इन तमाम तरक्याती मंसूबों के साथ साथ FRDP का एक बुनियादी जुज ये भी है कि कबाइली नौजवानों को हुनर की तरबियत देकर उन्हें माशरे में काबिल इज्जत रोजगार के जराए फराहम किए जाए। इन नौजवानों को वेल्डिंग, कंप्यूटर, फ्रिज एंड एयर कंडीशन मरम्मत, मोबाइल रिपेयर, CNG मरम्मत, खिराद मशीन, बिजली के काम और ड्राइविंग में तरबियत दी जा रही है। अब तक इन तीनों एजेंसियों में मजबूरी तौर पर 2200 नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है। जी नाजरीन, इस वक्त मैं गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर गुलबहार पेशावर के सामने खड़ा हूँ। ये वो इदारा है जहाँ FRDP के तहत कबाइली नौजवानों को हुनर की तरबियत दी जाती है और उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने लिए रोजगार के जराए हासिल कर सकें। ये एक बहुत बड़ा इदारा है जो सन 1942 में कायम हुआ और यहाँ पे बहुत सारे सीनियर इंस्ट्रक्टर्स कबाइली नौजवानों को हुनर की तरबियत दे रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये नौजवान किस तरह तरबियत हासिल कर रहे हैं और इस तरबियत के बारे में इन कबाइली नौजवानों का क्या कहना है। नाज़रीन, अभी हम फ्रिज और एयर कंडीशन का जो हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप है उसमें हम आए हुए हैं। आइए इन कबाइली नौजवानों से बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप क्या काम कर रहे हैं और आपका किस एजेंसी से ताल्लुक है? जी मेरा नाम आसिम खान है और मैं मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं यहाँ पर FRDP की तरफ से इस कॉलेज में आया हूँ। आसिम खान, आपने 4 माह की तरबियत हासिल कर ली है तो कभी अभी आप इस काबिल हो गए हैं कि आप खुद फ्रिज और कंडीशन अपने गांव में ठीक कर सकेंगे? मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं खुद वर्कशॉप में काम कर सकता हूं, अपने लिए वर्कशॉप खोल सकता हूं, दोनों का कर सकता हूं, एसी का और फ्रिज दोनों का। 4 महीने में इस काबिल हो गया। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय। आपका ताल्लुक किस एजेंसी से है? एबर एजेंसी। आपको कोई बीमारी है? हाँ, एक हाथ और एक पांव पर माजूर हूँ। माजूर हैं आप? हाँ माजूर। अभी आपने दर्जी का काम सीख लिया? हाँ सीख लिया। अभी आप क्या करेंगे, इससे क्या फायदे लेंगे इस काम से? इससे फायदा अपने गाँव में अपना दुकान बनाऊंगा और फिर उधर काम करेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम FRDP के तहत जो कबाइली नौजवान तरबियत हासिल कर रहे हैं वो हम पहुंचे हैं प्लम्बिंग वर्कशॉप में। तो यहाँ पे एक नौजवान से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और आपने क्या तरबियत हासिल की और आपके क्या ख्याल हैं? मेरा नाम समीउल्लाह है और मेरा ताल्लुक बाजोड़ एजेंसी से है। मैंने FRDP से 4 महीने का कोर्स मुकम्मल किया है और मैं अब अपना काम खुद चला सकता हूँ।
जी नाजरीन, इस वक्त हम इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप में आए हुए हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इदरीस साहब हैं जो इन कबाइली नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। एक नौजवान से बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है और आपका किस एजेंसी से ताल्लुक है, और ये भी बताएं कि आपने यहाँ पे क्या सीखा? जी मेरा नाम मुराद अली है, मैं मोमंजन से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है, इंशाल्लाह मैं इसको घर पर बाजार में इंशाल्लाह इसको एक रुजी का एक वसीला बनाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर फाटा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मसूद खान बंगश के दफ्तर में बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि एफआरडीपी का जो फनी तरबियती प्रोग्राम है, इसके अगराज और मकासद क्या हैं? एफआरडीपी ने पिछले 3 साल में 2200 से ज्यादा कबायली नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मुहैया की है। हमारे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद ये है कि कबायली नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखा जाए, और नंबर दो ये फनी तरबियत हासिल करके अपने लिए इज्जत की कमाई हासिल कर सके। एफआरडीपी के तहत तरबियत पाने वाले बहुत से नौजवान अपने अपने पैरों पर खुद खड़ा हो चुके हैं। इनमें से काफी लोग मिडिल ईस्ट चले गए हैं, बास लोगों ने दूसरे दुकानों में काम शुरू किया हुआ है। इस वक्त हम जमरूद बाजार में खड़े हैं, जहां हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराते हैं जिसने एफआरडीपी से वेल्डिंग में तरबियत हासिल की और आज वो खुदा की फजल से अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जमानुन समदवलद खबर एजेंसी तसली जमरूद सर ताल्लुक लारम मौज गला दे एफआरडीपी ना ज पखपल यो गरीब बेरोजगार आलकम मौज एफआरडीपी ना वेल्डिंग तरबियत हासिल करला द नाजरीन। इस वक्त हम गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज गुलबहार में खड़े हैं, जहां पर एफआरडीपी ने कबायली नौजवानों के लिए एक बहुत बड़े रोजगार मेले का एहतमाम किया है, जिसमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बड़े बड़े सनअतकार हजरात शिरकत कर रहे हैं, जो यहां इस रोजगार मेले में इन कबायली नौजवानों की कारकर्दगी देखेंगे और उन्हें मुलाजमत भी देंगे। एफआरडीपी के इस रोजगार मेले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सनअतकार हजरात ने मौके पर ही इन कबायली नौजवानों की पेशावराना महारत का जायजा लिया, इनके काम की तारीफ की और मौके ही पर इनका इंटरव्यू भी किया, और मजमूई तौर पर मुख्तलिफ शोबों से 175 नौजवानों को मुलाजमत दे दी गई, और यूं इस रोजगार मेले का बुनियादी मकसद काफी हद तक पूरा हो गया। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगराह, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। नाजरीन आपने देख लिया कि एफआरडीपी ने अपने आप को इस हद तक महदूद नहीं किया कि वो कबायली नौजवानों को फनी तरबियत का एहतमाम करें, बल्कि साथ साथ एफआरडीपी की भरपूर कोशिश है कि वो इस किस्म के रोजगार मेलों का इनेकाद करे ताकि कबायली नौजवानों को मुलाजमत के मौके भी मिल सके। एफआरडीपी का ये अज़्म है कि इसका ये प्रोग्राम इसी तरह जारी वसारी रहेगा। अपने मेजबान हारून शिनवारी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।